हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपको बालकनी में लगाने वाले कुछ पौधों के नाम बताएंगे। कुछ पौधे तो धूप में चलते हैं और कुछ पौधे कम धूप में चलते हैं, जो कि बालकनी और जहां कम धूप आती वहां लगाए जा सकते हैं। तो ये देखिए, ड्रेसिना की कई वेराइटियाँ आती हैं जिनको आप जहाँ कम धूप आती है वहाँ लगा सकते हैं। देखिए, ये है सिंगोनियम, तो ये भी आप कम धूप में लगा सकते हैं, बहुत आराम से चलेंगे आपके, कम धूप वाले स्थान पे बहुत अच्छे से चल जाएंगे। और ये है स्टार फाइकस, ये भी आप कम धूप जहाँ आती है, एक दो घंटे की धूप आती है या ब्राइट लाइट है तो वहाँ आराम से चलेंगे, और ज़्यादा धूप में इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं और कम धूप में बहुत आराम से चलते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्लांट है, इनकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती हैं। देखिए, वेरिएटेड फाइकस, जो आपके गार्डन में बहुत ही या बालकनी में खूबसूरती ऐड करेगा। बरामदे में भी आप लगा सकते हैं स्नेक प्लांट को भी, इसमें कई वेराइटियाँ आती हैं, आप इनको अपने गार्डन में ऐड करें जहाँ कम धूप आती है। ये रियो प्लांट है या वोट लिली, ये भी कम धूप में चल जाती है, इसको कहीं बालकनी गार्डन में लगा सकते हैं। ये पर्पल हार्ट, ये भी आप कहीं भी कम धूप आ रही है या एक आध घंटे की धूप आ रही है तब भी आप इसको लगा सकते हैं, बहुत आराम से चलेगा। और ये है टाइगर प्लांट या सिंचेजिया, इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर होती हैं। देखिए, इनको भी आप अपने किसी बालकनी के ऐसे कोने में लगा सकते हैं जहां कम धूप आती हो, बहुत आराम से चलेंगे ये। और ये है क्रोटन, क्रोटन को भी आप कहीं भी कम धूप वाले स्थान पे लगाएंगे तो ये बहुत ही आराम से चलेंगे और बहुत ही सुंदर देखने में इनकी पत्तियां लगती हैं। क्रोटोन में आपको कई वेराइटियाँ मिल जाएंगी जो आपके बालकनी और बरामदे जहाँ कम धूप आती है बहुत आराम से चलेंगी और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। तो इनको आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में जहाँ कम धूप आती है या बालकनी में। और ये है अम्ब्रेला प्लांट, इसे आप सफलेरा भी कह सकते हैं, तो ये भी आप कम धूप में लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत होती हैं और बुशी होके बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, तो इसको ज़रूर अपने बालकनी में या फिर बरामदे में कहीं भी आप लगाएं, बहुत ही आराम से चलेंगी, तो इनको आप ज़रूर अपने गार्डन में लगाएं। और पान की भी वेल, जैसे मनी प्लांट होता है उसी तरह कम धूप में चलने वाला प्लांट है, तो इसको भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। कोलियस भी, जहाँ एक आध दो घंटे की धूप आती हो तो वहाँ आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत आराम से चलेंगे, इनको भी अपने बालकनी में या गार्डन में ऐड करें। एग्लोनीमा लिपस्टिक, एग्लोनीमा की कई वेराइटियाँ आती हैं और ऐसे ही इंडोर प्लांट की कई वेराइटियाँ, क्लैथिया और भी कई वैरायटियाँ आती हैं, उनको भी आप कम धूप वाले स्थान पे ऐड कर सकते हैं। डेफेनबेकिया को भी आप लगा सकते हैं कम धूप वाले स्थान में, ये भी बहुत आराम से चलेंगी, तो इनको भी अपने गार्डन में या बालकनी में ऐड कर सकते हैं। मनी प्लांट तो आपको मालूम ही होगा कि एक दो घंटे की धूप जहाँ आती है आराम से चल जाते हैं, और इनको पानी में भी लगाया जा सकता है। ये मार्बल पोथोस हैं, इनको भी आप अपने कम धूप वाले स्थान पे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इनकी पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। इसी तरह मनी प्लांट की कई वेराइटियाँ आती हैं, तो इनको आप अपने बालकनी के गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इनको आप कहीं भी लगा देंगे बालकनी में तो ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले प्लांट हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और क्लांचो भी आप लगा सकते हैं, अब जहाँ भी कम धूप आती हो, तो ये
विंटर में फूल भी इनमें आते हैं और रबर प्लांट भी कहीं भी कम धूप वाले स्थान पर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्यूरीफायर प्लांट भी है, तो इनको आप लगाएं। इनकी पत्तियां बहुत ही शाइनी होती हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इनमें कई वेराइटियाँ आती हैं। और एरिका पॉम भी आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी खूबसूरत पत्तियां होती हैं, बहुत कम केयर में आपके बालकनी में और बरामदे में चलेंगी, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है एरिका पॉम। देखिए इनकी पत्तियां कितनी खूबसूरत लगती हैं। तो इस प्रकार आप चाइना पॉम भी कम धूप वाले स्थान पर लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इनकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, ये धूप में भी चल जाते हैं, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, तो इनको भी आप अपनी बालकनी में ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार कई और भी इंडोर प्लांट होते हैं जो अपने आप बालकनी और बरामदे में लगा सकते हैं, और अपने बालकनी और बरामदे इंडोर्स की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।